वहां आउट नहीं है, बात समझे। अपन क्या है कि पुष्टि मार्ग और पुष्टि संप्रदाय को कंफ्यूज कर रहे हैं, वासी ये सारो कबाड़ा हो रहे हैं। पुष्टि मार्ग और पुष्टि संप्रदाय एक फिनोमेना नहीं है। पुष्टि मार्ग तो महाप्रभु जी के प्रकट होने के पहले वादिन प्रकट हो गए, जादिन भगवान ने जीव को पुष्टि जीव के तरह वरण किया, वादिन पुष्टि मार्ग प्रकट हो गया। वह पुष्टि मार्ग में से पुष्टि संप्रदाय तो 500 बरस पहले महाप्रभु जी ने प्रकट किया, क्योंकि भगवान को भी कुछ ऐसे लगे हो कि भाई या बात को मार्ग जो मैं खुद अटेंड कर रहे हूं वाके बजाय मेरे कोई रिप्रेजेंटेटिव आचार्य चैत्य व्यपुषा स्वगति व्यक्ति आवे, मेरी या पुष्टि मार्गी गति को कोई ट्रेस करके और ऐसा कोई संप्रदाय प्रवर्तन करे, वाके लिए एक दूसरा एक नयो पुरुष प्रमाण पंथा प्रकट किया है, वो पुष्टि संप्रदाय है। और वह पुष्टि संप्रदाय के सारे रूल वाके नहीं है, वाके सारे रूल यहां नहीं है, बात समझ रही ना। मां भगवान पे सवारी करी जा सके, मां भगवान पे सवारी करी जा सके, मां भगवान के साथ बहुत का सारे व्यवहार गाली देने के भी हो सके। अपने यहां भक्ति के जो रूल है वहां में जितनी गाली देने की अलाउड है वो दे सको, नहीं दे सको तो नहीं दे सको, डड्डो तो करनी पड़ेगी। तुम समझो कि कोई वक्त ब्रजभक्तन ने ठाकुर जी को तुलसी चरण में समर्पी आएगी, उनको कह के समर्पो तो उनको हंसी आएगी, ठाकुर जी को भी हंसी आएगी कि क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तुम्हारे मेरे बीच ये तो संबंध है तो ही नहीं कि तुम मेरे चरण में तुलसी समर्पो। अपने को कंपलसरी है, पुष्टि मार्ग में एंट्री नहीं हो रही है तुलसी समर्प बिना, या को वा लीला से क्या संबंध, बात समझ में। ये पुष्टि संप्रदाय का रूल है। मैं नहीं समझू कि इतनी 16,000 गोपिकान में से और इतने गोप बालकान में से और नंदी यशोदा जी ने कोई ने तुलसी की कंठी पहरी होगी अष्टाक्षर माला के गुरु जी के साथ नाम सांग के कान फूको, ये जरूरत ही नहीं होती, काय को कान फूके। ठाकुर जी जब खुद प्रकट भयो हम कान फूकने की जरूरत क्या है, वो रूल पुष्टि मार्ग का नहीं है, बात समझ में। ये पूर्ण पुरुष प्रमाण पंथा व्याख्याता वेदांत ने जो पुष्टि संप्रदाय प्रवर्तित किया है वाक्य रूल्स हैं। अपन इन दोनों रूल्स को अननेसेसरी कंफ्यूज कर रहे हैं, अननेसेसरीली कंफ्यूज कर रहे हैं। वाको नियम यहां सब लागू नहीं होगो, या को नियम वहां लागू नहीं होगो, दोनों में वाइड एंगल और नैरो एंगल को, फोकस्ड एंगल को एक बेसिक डिफरेंस है, आपको कॉन्ट्रास्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आपको बैकग्राउंड और फिगर के तरह प्रॉपरली समझने की जरूरत है। वो समझोगे तो सारी बात समझ में आएगी। वालिए वहां श्री लक्ष्मण सुत श्री वल्लभ राय जी स्मरण करता दुष्कृत जाए जी, कलिजन तरवा नहीं अवर उपाय जी, यज्ञ पुरुष हरिना श्रुति गुण गाए जी। ये मंगलाचरण की हो, समझ में आई ना। विसर्ग लीला को, विसर्ग लीला को ये मंगलाचरण या लिए जरूरी है क्योंकि विसर्ग लीला में वराह प्रकट भय, वेद के उद्धार के लिए, वेद के उद्धार के लिए प्रकट भय हैं, वेद के उद्धार के लिए प्रकट भय क्योंकि ऑर्गेनाइज करना है, जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया है वह कुछ डिसऑर्गेनाइज, और जैसे अपने यहां वो अन्न के भंडार में ऐसे पड़े पड़े धान सड़ गए चूहाएं खा गए ऐसे नहीं खाने देने, वह कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर मेंटेनेंस करना है, वह के लिए टाइम टू टाइम भगवान ने अवतार प्रकट होके उनको ऑर्गेनाइज किया है अलग रूपन में, सब देवतान के रूप में सब रूपन में। वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो क्रिएटेड जो रॉ मटेरियल है वह को ऑर्गेनाइजेशन वो विसर्ग है करके, वो विसर्ग लीला की परिभाषा में क्या कहे हैं कि ब्रह्मणों गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत, जो क्रिएटर है वाके गुण वैषम्य के अनुसार वह को ऑर्गेनाइज करना भाई, या को यहां प्लेस है या को यहां प्लेस है। जैसे मैंने आपको कल बतायो कि देखो यदि ये देखो पेंटिंग को देखो आप थोड़ा ध्यान से, दूर गिरिराज जी दिख रहे हैं, पेड़ की हाइट से गिरिराज जी कितने छोटे हैं, क्वार्टर से भी छोटे हैं, क्वार्टर से छोटे होने के बाद तुम्हारी आंख तुमको यूं कह रही है कि गिरिराज जी पेड़ से छोटे, पेड़ से बहुत बड़े, ऐसे तो कई पेड़ गिरिराज जी में समा जाएंगे, उनको दूर बता दियो है, या के लिए उनको बड़प्पन या पेड़ सु घट नहीं रहे है, पास बताए हो तो ना
गिरिराज जी पास बताए होते और पेड़ इतना ऊंचा बताया तो मैंने सब समझ जाते कि गिरिराज जी कोई तटपुंजिया पहाड़ जैसे पहाड़ी है, कोई गिरिराज नहीं है। इतनी दूर बता दियो, ऑलमोस्ट पेड़ जो है गिरिराज जी से ऊपर जा रहे हो, वाक्य बावजूद भी गिरिराज जी ही बड़ो है, पेड़ बड़ो नहीं है। ये जो प्लेसमेंट है या प्लेसमेंट की ब्यूटी समझो, कौन सी चीज को दूर रखनी, कौन सी चीज को पास रखनी, कौन सी चीज को लंबी बतानी, कौन सी चीज को टूंकी बतानी, जाको टूंकी बतानी हो वाको कहां प्लेस करना हो, जाको ऊंची बतानी हो। अब यदि दोनों बातें बतानी है कि पेड़ के नीचे महाप्रभु जी विराज रहे हैं और वो पेड़ जो है वो गिरिराज जी की तरहटी में है, कैसे बताएगो? ऐसे बताएगो कि गिरिराज जी यहां नीचे हैं, पेड़ के नीचे वो चट्टान जैसे दिखेंगे, पर्वत जैसे दिखेंगे ही नहीं। बहुत बड़ी डेप्थ दे दी अंदर। छोटे से गिरिराज जी बताए, आंख तुमको यूं कभी नहीं कहेगी कि पेड़ से छोटे हैं गिरिराज जी, आंख हर वक्त यही कहेगी गिरिराज जी बहुत बड़े हैं, पेड़ तो बहुत छोटा है। ये सब प्लेसमेंट को रोल है, ऑर्गेनाइजेशन को। पेंटिंग में अपने को या तरह से मोटिव को, फिगर को, बैकग्राउंड को या तरह से ऑर्गेनाइज करनी पड़े। जब ऑर्गेनाइज करो तो वो चित्र में आर्टिस्टिक ब्यूटी और सेंस क्रिएट हुए, नहीं तो नॉनसेंसिकल आर्ट हो जाए। आयो ख्याल में? एक बात ध्यान से समझो, देखो पाछो देखो, पेड़ की जो हाइट और महाप्रभु जी की हाइट मोर देन हाफ है कि नहीं? पेड़ की हाइट से मोर देन हाफ कुछ महाप्रभु जी की हाइट लग रही है। अब क्या इतने महाप्रभु जी ताड़ होते तो खाली बेरा जाए तो पेड़ के इतने पास तक जावे? नहीं नहीं, क्या वाने चतुराई करी है चित्रकार ने, महाप्रभु जी को आगे खसी बिरजवा दी है, पेड़ को पीछे रख दिया। अब तुम्हारी आंख तुमको यो नहीं कह रही है कि महाप्रभु जी इतने लंबे होते, ताड़ की तिहाई होते। यद्यपि पेंटिंग में फुटपट्टी से माप के देखोगे तो ताड़ की तिहाई दिख रहे हैं महाप्रभु जी पर, अब ताड़ की तिहाई नहीं दिख रहे। आंख क्या कह रही है तुमको? आंख ये समझा रही है महाप्रभु जी आगे विराजे हैं ना, हाइट ज्यादा दिख रही है, पेड़ पीछे है ना, हाइट छोटी दिख रही है, गिरिराज जी और पीछे है ना, भले हाइट छोटी दिख रही है पर बहुत बड़ी हाइट है। आंख तुमको समझा रही है ये बात। ये नाम विसर्ग है। कलर इकट्ठो करनो, ब्रश इकट्ठो करनो, कैनवास इकट्ठो करनो, डिजाइन इकट्ठी करनी, वो सब सर्ग है। और ये जो या को प्लेसमेंट है ये विसर्ग है। वो विसर्ग की जो लीला है, वह विसर्ग की लीला को कैसे करी, ये पेंटिंग को देखोगे ना अपने सामने रेडीमेड एकदम रैकनर की तरह है ये पेंटिंग। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, स्थान क्या है, पोषण क्या है, उति क्या है, मन्वंतर क्या है, निरोध क्या है, सब यहां में मिलेगो एक पेंटिंग में। दशविध लीला मिलेगी, इवन आश्रय मिलेगो दृष्टि हो तो। सो ध्यान से समझो कि गाय श्रुति गुण रूप अहर्निश धरी ध्यान विचार आनंद रूप अनुपम सुंदर पामे नहीं कोई पार। यहां प्राणपति प्राकट्य कारण कायिक कहूं मति मंदीय विसर्ग लीला को उपक्रम है तीन कड़ी में। वाक्य बाद हरसुर विधाता नवलहे साक्षात ब्रह्मानंद श्री वृंदावन चंद मुखुरुचि अग्नि ते अवतार। वो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत, पौरुष के प्रकट होने को जो डिस्क्रिप्शन है वो विसर्ग है। माने मैटर क्रिएट हो गई, रॉ मटेरियल, वाको ऑर्गेनाइजर एक पर्सन भी तो होना चाहिए ना, जो रॉ मटेरियल को ऑर्गेनाइज करे और ऑर्गेनाइज करके डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा भी तो एक पर्सन चाहिए ना। वो पुरुष जो प्रकट होना चाहिए, वो पुरुष जो है वो प्रकट होने को वर्णन करने के लिए कह रहे हैं कि हर सुर विधाता नवलहे साक्षात ब्रह्मानंद श्री वृंदावन चंद्र मुख रुचि अग्नि ते अवतार। वो वाकु पुरुष, वो पुरुष या विसर्ग लीला में प्रकट भयो है वाकु ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब देखो भूल